हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टोक्यो पैरालंपिक्स के बारे में सब कुछ, कि टोक्यो पैरालंपिक्स कब हुए थे, कहाँ हुए थे, कितने लोगों ने इसमें मेडल जीते, कि जिसने मेडल जीता उनके नाम क्या थे, किस स्पोर्टिंग इवेंट में उन्होंने मेडल जीता और मेडल का रंग कौन सा था। तो इन सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। और क्यों पढ़ेंगे, इसका कारण ये है कि एसएससी एमटीएस का आपका पेपर चल रहा है और एसएससी एमटीएस के आज के पेपर में इससे सवाल आए थे, तो हो सकता है आगे आने वाली शिफ्ट्स में भी इससे कोई ना कोई सवाल पूछा जा सकता है। इसलिए इस वीडियो में हम टोक्यो पैरालंपिक्स के बारे में सारी बातें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि सारी बातें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं या जो सवाल आज के एग्जाम में पूछे गए थे वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात शुरू करते हैं, टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 एक्चुअली 2020 थे, एक साल ये डिले हो गए थे बिकॉज ऑफ द कोविड, और 2021 में इन्हें कंडक्ट किया गया है, ठीक है। और इन्हें 24 अगस्त से 5 सितंबर तक कंडक्ट कराया गया था। कहाँ कंडक्ट हुए हैं, नाम से ही वेरी बहुत ही क्लियर है कि टोक्यो में कंडक्ट हुए हैं। और टोक्यो कहाँ है, जापान में है। और मनी हाई सीजन 5 या 4 जो भी आया है उसमें जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किरदार है, और मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहूंगा, उसका नाम भी टोक्यो है। खैर, तो वेन्यू जो है 2020 के पैरालंपिक्स का टोक्यो था, और पैरालंपिक्स 2016 के जो ओलंपिक्स हुए थे उनका जो वेन्यू था वो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में था, और 2024 के जो होंगे वो पेरिस फ्रांस में होंगे, ठीक है। देखो एक्चुअली हुआ क्या था, पैरालंपिक्स की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि 1948 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमारा खत्म हुआ तो उसके बाद ये रियलाइज किया गया बहुत सारे सैनिक ऐसी संख्या में थे, जो बहुत से तो मर गए बट बहुत से सैनिक ऐसे थे जो मतलब स्पेशली एबल्ड हो गए थे, जिनके मतलब किसी ना किसी अंग में कोई ना कोई चोट लग गई थी और जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से एबल्ड नहीं थे। ऐसी परिस्थिति में मतलब लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम कुछ ऐसी इवेंट्स शुरू करें जिससे कि इनका जीवन भी लाइन पर आ सके, और वहां से ये आइडिया शुरू हुआ था कि पैरालंपिक्स को हम शुरू करेंगे। और फाइनली 1960 में पैरालंपिक्स शुरू हुए थे, ठीक है। सो पैरालंपिक्स का जो लोगो है वो ये पैरालंपिक्स का लोगो है, और इसके जो इंडियन इंटरनेशनल पैरालंपिक कमिटी है जो ये कंडक्ट करवाती है, इसके जो अध्यक्ष हैं वो एंड्रयू पार्सन्स हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर्स है, ध्यान रखिएगा शब्द हेडक्वार्टर्स होता है, हेडक्वार्टर शब्द नहीं होता है, हेडक्वार्टर्स इज द राइट वर्ड, ध्यान रखेंगे। और ये बॉन जर्मनी में है, 1960 में शुरू हुए थे और भारत ने इसमें पहली बार 1968 में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो 1960 में ये शुरू हो गए थे बट 1968 में पहली बार इंडिया ने पार्टिसिपेट इसमें किया था। इसके अलावा पैरालंपिक्स का जो इस बार टोक्यो 2020 पैरालंपिक्स थे उनका लोगो आपका ये था, ये जापान में आयोजित हुए। जापान में पैरालंपिक्स दूसरी बार आयोजित हुए हैं, इसके पहले ये खेल जापान में 1964 में आयोजित हो चुके हैं। तो 1960 में शुरू हुआ, अगला पैरालंपिक्स जो है वो जापान में हुआ था, उसके बाद ये 1960 दोबारा से 2020 में फिर से जापान में आयोजित हुए हैं। इसके बाद इसमें दो नए खेल शामिल किए गए थे, बैडमिंटन और टाइक्वांडो। 5 का प्रपोजल था बट शामिल दो ही किए गए थे, एक फुटबॉल और एक हॉकी, दो भी, इन दो का भी प्रपोजल था बट वो शामिल नहीं किए गए, शामिल बैडमिंटन और टाइक्वांडो को किया गया था। ये पहली बार पैरालंपिक्स में खेले गए थे और टोटल जो खेल खेले गए थे वो 22 इज द नंबर जितने खेल इसमें शामिल थे, वो अलग अलग कैटेगरीज में होते हैं इसमें। इनके जो मैस्कट थे वो मिराइटोवा और सोमिटी, ये जो हैं इसके मैस्कट थे जो आप सामने देख सकते हैं। ध्यान रखेंगे कि नाम याद रखना है, नाम पूछा जाता है कई बार, तो पैरालंपिक्स 2020 के जो मैस्कट था वो था मिराइटोवा और सोमिटी, ठीक है। अच्छा, वीडियो की पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट में भी मैं पिन कर दूंगा, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। तो टेलीग्राम से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अगर हम बात करेंगे मेडल टैली की, तो चीन जो है वो पहले नंबर पे रहा था, 207 मेडल्स चीन ने जीते थे, 96 स्वर्ण, 60 रजत और कांस्य 91 मेडल्स जीते थे, गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज। सेकंड नंबर पे ब्रिटेन था 124 मेडल्स के साथ में, थर्ड नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका था, यूएसए था 104 मेडल्स के साथ, और फोर्थ नंबर पे आरपीसी रशियन पैरालंपिक कमिटी, और रशियन पैरालंपिक कमिटी या रशियन ओलंपिक कमिटी ने ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था। ऐसा क्यों था, क्योंकि रशिया को डोपिंग की वजह से बैन कर दिया गया था ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने से, तो ऐसे में रशिया ने एक नई तरकीब निकाली कि रशियन पैरालंपिक कमिटी के नाम से शामिल करेंगे और कोई भी रशिया के फ्लैग को यूज नहीं करेगा, ये चीज इसमें थी। तो 118 रशियन पैरालंपिक कमिटी के ने जीते,
वो चौथे नंबर पर वो रहे थे, पांचवें नंबर पर नेदरलैंड था 59, और भारत 24वें स्थान पर था इस पैरालंपिक्स में। ठीक है, तो भारत ने पहली बार पैरालंपिक्स में हिस्सा 1968 में लिया था। 1968 में इंडिया ने पहली बार पैरालंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था। टोक्यो पैरालंपिक्स से पहले भारत इन खेलों में कुल 12 पदक जीत चुका है। ठीक है, यानी कि टोक्यो पैरालंपिक्स से पहले भारत इसमें टोटल 12 पदक जीता था, और अब ये आप सुनेंगे। और भारत की तरफ से इस बार 54 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया, विच वॉज द हाइएस्ट टिल नाउ। ये हाइएस्ट नंबर था अभी तक भारत का पैरालंपिक्स में भेजे गए खिलाड़ियों की संख्या का। इस बार भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और 19 पदक जीते। जैसा मैंने बताया, पहले आज तक सिर्फ 12 जीते थे, और इस बार अकेले 19 पदक जीते इन्होंने भारत ने, और 24वां स्थान भारत का इसमें रहा था। भारत ने टोटल 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक जीते थे। टोटल 5 स्वर्ण पदक जीते थे, 8 रजत पदक जीते थे और 6 कांस्य पदक जीते हैं, यानी कि 5 गोल्ड, 8 सिल्वर एंड 6 ब्रॉन्ज मेडल्स भारत ने जीते हैं। टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत ने अपना सफर 19 पदक जीतने के साथ पूरा किया, जिसमें 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। इन खेलों में भारत का यह अभी तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, जिसमें से दो खिलाड़ी हैं जिन्होंने दो दो पदक जीते हैं। आप उनका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में अभी बताइए, आगे तो मैं बता दूंगा, बट फिलहाल आप वीडियो को रोक के कॉमेंट में बताइए कि कौन से ऐसे दो खिलाड़ी हैं जिन्होंने दो पदक जीते हैं इस पैरालंपिक्स में। तो पहला नाम जो स्वर्ण पदक जिन्होंने जीता है, उनका नाम है अवनी लेखरा। अवनी लेखरा ने महिलाओं की R2 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में SH1 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई। मात्र 19 साल की अवनी ने फाइनल में 249.6 अंक बनाकर विश्व रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। तो यानी कि इन्होंने विश्व रिकॉर्ड को भी बराबर किया, साथ ही साथ इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता इसी प्रतियोगिता में, यानी कि निशानेबाजी शूटिंग में, राइफल में इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। एंड शी इज द गर्ल जिन्होंने दो मेडल जीते हैं, आगे हम पढ़ेंगे, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है। ठीक है, तो पहला नाम आपको पता लग गया। अवनी लेखरा है कहां से, ये आपकी गुजरात से हैं। अवनी लेखरा सॉरी जयपुर की रहने वाली हैं, और बचपन में दिव्यांग नहीं थी। 2012 की दुर्घटना में इनके रीढ़ की हड्डी में चोट आ गई, जिसके बाद वो काफी परेशान रही, और उसके बाद उन्होंने पैरा वर्ल्ड कप शूटिंग में 2019 में अपना मेडल जीता और 2021 में सिल्वर जीता था। ये पैरा वर्ल्ड कप की बात हो रही है, और पैरालंपिक्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके अलावा दूसरे जो स्वर्ण पदक विजेता है वो है हमारे सुमित अंतिल। सुमित अंतिल ने जैवलिन थ्रो, जिसकी बात हम सबसे ज्यादा आज की तारीख में कर रहे हैं, जैवलिन थ्रो जिसमें ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा ने मेडल जीता था, पैरालंपिक्स में मेडल जीता है, गोल्ड मेडल सुमित अंतिल ने जीता है। और सुमित ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, आप जैसे इस फोटो में भी देख सकते हैं, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, पर्सनल बेस्ट भी है 68.55 मीटर्स का। और इन्होंने ये इसी प्रतियोगिता में, मैं इसे लाइव देख रहा था, अपनी ही प्रतियोगिता में करीब 3 बार इन्होंने अपने ही रिकॉर्ड को बीट किया, सो दिस वॉज अमेजिंग टू सी। सुमित ने जैवलिन थ्रोअर के F64 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। सुमित ने वर्ल्ड रिकॉर्ड 68.55 मीटर का जैवलिन थ्रो किया। उन्होंने सुमित पैरालंपिक में अपने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड को 3 बार तोड़ा, जैसे मैंने बताया, पहले प्रयास में 66.95 मीटर का थ्रो किया, दूसरे में 68.08 और तीसरे में 68.55 का इन्होंने जैवलिन थ्रो किया था। तो दिस वाज अमेजिंग टू सी। तो आप नाम याद रखेंगे कि जैवलिन थ्रो में पैरालंपिक्स में मेडल जीतने वाले खिलाड़ी का नाम था सुमित अंतिल। ये हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले हैं, और इन बाकी आप यहाँ पे 12वीं क्लास में कॉमर्स की ट्यूशन से लौटते समय इनके एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद इनका पैर चला गया था। इसके अलावा दूसरे हमारे स्वर्ण पदक विजेता हैं आपके मनीष नरवाल। ठीक है, मनीष नरवाल, ही इज द गाय, ही इज मनीष नरवाल। इन्होंने मिक्स्ड 50 मीटर एयर पिस्टल में 218.2 का स्कोर करके तीसरा गोल्ड भारत को जिताया था। ठीक है, इनका नाम मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए, व्हाट इज हिज नेम। अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, यानी कि एक ही इवेंट में भारत ने सिल्वर और गोल्ड दोनों जीते थे, तो उन्होंने भारत को तीसरा गोल्ड दिलाया। 19 वर्ग के हैं, 50 मीटर एयर पिस्टल में मनीष नरवाल के दाहिने हाथ में निकलते, और इन्होंने इसमें गोल्ड मेडल जीता है। तो टोटल अभी तक हमने 3 नाम पढ़े जो कि गोल्ड मेडल जीते, अवनी लेखरा सुमित अंतिल और मनीष नरवाल, तीनों ने गोल्ड मेडल जीता। अवनी ने राइफल में शूटिंग में, सुमित अंतिल ने जैवलिन में, और मनीष नरवाल ने भी शूटिंग में जीता। ठीक है, चौथे स्वर्ण पदक विजेता हैं हमारे प्रमोद भगत। फोटो से आप याद रख सकते हैं, फोटोज मैंने इसीलिए लगा रखी, थोड़ा सा याद रखने में आसानी होती है। प्रमोद भगत ने बैडमिंटन में
स्वर्ण पदक जीता था। पैरालंपिक की बैडमिंटन प्रतियोगिता में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। इन्होंने बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स SL3 में स्वर्ण पदक जीता। तो अगर सवाल आता है कि पैरालंपिक्स में बैडमिंटन में पहला गोल्ड मेडल, पहला मेडल किसने जीता, पहला गोल्ड मेडल किसने जीता, तो उसमें नाम आएगा प्रमोद भगत। ठीक है, प्रमोद भगत हाजी बिहार के हाजीपुर के रहने वाले हैं और इन्होंने इसमें पदक जीता है। इसके अलावा जो पांचवा नाम है वो है हमारा कृष्णा नागर का। कृष्णा नागर ने बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स में SH6 में स्वर्ण पदक जीता। तो इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है और इन्होंने बैडमिंटन में जीता है। तो टोटल पांच नाम हुए। पहला अवनी लेखरा का, अवनी लेखरा ने राइफल में। दूसरा हो गया सुमित अंतिल का जैवलिन थ्रो में। इसके बाद मनीष नरवल ने जीता शूटिंग में, और उसके बाद प्रमोद भगत ने जीता बैडमिंटन में, और उसके बाद कृष्णा नागर ने जीता बैडमिंटन में। ठीक है, तो ये टोटल पांच नाम हुए जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता। इसके बाद हम सिल्वर मेडलिस्ट की बात कर लेते हैं। तो सिल्वर मेडलिस्ट में पहली आ जाती है भावना पटेल। भावना पटेल ने टेबल टेनिस में मेडल जीता और वो टेबल टेनिस में मेडल जीतने वाली पहली पैरा खिलाड़ी भी बन गई इसी के साथ। उन्होंने टोक्यो पैरालंपिक्स में देश के लिए पहला मेडल भी जीता था। अगर सवाल यह आ जाता है कि टोक्यो पैरालंपिक्स में पहला मेडल जीता किसने था, तो पहला मेडल भावना पटेल ने ही जीता था, वो गुजरात की रहने वाली है। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो नाम है वो है हमारा निषाद कुमार का। निषाद कुमार ने, जैसा फोटो में देख पा रहे हैं कि इन्होंने हाई जंप में 2.202 और दूसरी बार में 2.06 मीटर जंप के साथ देश को रजत पदक दिलाया, और ये हिमाचल प्रदेश के ऊना के रहने वाले हैं। तो दूसरा पहला हो गया भावना पटेल, दूसरा हो गया निषाद कुमार, इन्होंने हाई जंप में दिलाया। तीसरा पदक ना था देवेंद्र झझरिया का। देवेंद्र झझरिया ने जैवलिन थ्रो में पर्सनल बेस्ट किया 3.5 का, और इसके पहले वो 2004 के एथेंस ओलंपिक्स में भी वो मेडल जीत चुके हैं, 2016 के रियो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, और वो राजस्थान के रहने वाले हैं। तो देवेंद्र झझरिया का नाम काफी चर्चा में था जब नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो किया था, जब उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, तो उसके बाद इनका नाम चर्चा में आ रहा था कि देवेंद्र झझरिया पैरालंपिक्स में इनसे पहले जीत चुके हैं 2004 के एथेंस ओलंपिक्स में गोल्ड, और 2016 के रियो ओलंपिक्स में भी गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, इस बार इन्होंने रजत पदक जीता है। तीसरा नाम है हमारा योगेश कथुनिया का। योगेश कथुनिया ने डिस्कस थ्रो में जीता है। योगेश कथुनिया ने रजत पदक डिस्कस थ्रो में जीता है। 56 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीतकर अपना आखिरी प्रयास 44.38 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया और उन्होंने यह सफलता पाई। छठे और अंतिम राउंड में योगेश 44.38 मीटर की दूरी तक छक्का फेंका, जिसमें उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया, और वो हरियाणा के बहादुरगढ़ के रहने वाले हैं। इसके बाद सिंहराज अदाना का नाम आता है, जिनकी फोटो मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाई थी। ठीक है, तो मनीष नरवल के साथ इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था सिंहराज अदाना। तो सिंहराज अदाना ने सिल्वर मेडल जीता है और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है। इस जगह जिन्होंने दो मेडल जीते हैं। 50 मीटर शूटिंग के SH1 कैटेगरी में 207.3 स्कोर बनाकर सिल्वर मेडल जीता, और साथ ही साथ इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 कैटेगरी में, भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। तो इन्होंने दो मेडल जीते, ये भी हरियाणा के रहने वाले हैं। 50 मीटर एयर पिस्टल में सिल्वर और 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो दो मेडल इन्होंने भी जीते हैं। तो पहला नाम हो गया अवनी लेखरा, जिन्होंने दो मेडल जीते, दूसरा है सिंहराज अदाना। इसके अलावा रजत पदक में मरियप्पन थंगावेलु पुरुषों की ऊंची कूद में 1.68 मीटर की जंप से देश को रजत पदक दिलाया। ठीक है, और T42 श्रेणी में मरियप्पन थंगावेलु ने भारत को सिल्वर मेडल दिलवाया, जिसकी हम बात कर रहे हैं। और इसके पहले 2016 के रियो ओलंपिक्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, और मरियप्पन थंगावेलु ही जब ये पैरालंपिक्स की ओपनिंग हो रही थी, तो ओपनिंग सेरेमनी में यही फ्लैग बियरर होने वाले थे, लेकिन चूंकि कुछ कोविड का इशू हो गया था, इसकी वजह से इन्हें क्वारंटीन होना पड़ा था, और उसके बाद टेक चांद जो डिस्कस थ्रोअर थे उन्होंने फिर फ्लैग बियर किया था, फ्लैग बियरर हो रहे थे। ठीक है, इस पर हम आगे बात करेंगे। इसके अलावा हमारे अगले रजत पदक विजेता हैं प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार ने पुरुषों की हाई जंप में 2.702 की हाई जंप करके रजत पदक जीता और एशियन रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, इसके अलावा अगले रजत पदक विजेता हैं नोएडा के जिलाधिकारी सुहास यथिराज। ये कर्नाटका के जन्मे हैं, कर्नाटका शिवमोगा के रहने वाले हैं, गौतम बुद्ध नगर नोएडा के ये DM भी हैं, और इन्होंने बैडमिंटन में सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, तो एक बार जरा सारे सिल्वर मेडलिस्ट को देख लेते हैं फटाफट, क्विकली देखते हैं। ठीक है, तो पहला हो गया था भावना पटेल टेबल टेनिस का हो गया था, निषाद कुमार हाई जंप, देवेंद्र झझरिया जैवलिन थ्रो में आ गए, योगेश कथुनिया डिस्कस थ्रो में, सिंहराज अदाना 50 मीटर एयर पिस्टल में सिल्वर और 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज जीता, रजत पदक मरियप्पन थंगावेलु ने जीता,
ऊंची कूद में, इसके बाद प्रवीण कुमार ने हाई जंप में जीता और उसके बाद सुहास यतिराज ने बैडमिंटन में जीता। अब बात करते हैं कांस्य पदक विजेता की, तो कांस्य पदक विजेता में सुंदर सिंह गुर्जर, इन्होंने राजस्थान करौली के रहने वाले हैं और इन्होंने F46 किलोग्राम कैटेगरी में 64.01 मीटर के जैवलिन को थ्रो करके ब्रॉन्ज मेडल जीता। सिंगराज अजाना, जिनके पहले भी बात कर चुके हैं, 50 मीटर में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है और 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने 216.828 के स्कोर को करके कांस्य पदक भी जीता। शरद कुमार, इन्होंने कांस्य पदक जीता है ऊंची कूद में, शरद कुमार ने कांस्य पदक जीता है ऊंची कूद T63 में, तो शरद कांस्य पदक जीता है ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हुए शरद कुमार, ये बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। और जैसा मैंने बताया अवनी लेखा ने भी कांस्य पदक जीता है 50 मीटर राइफल में, तो इन्होंने पहले भी हमने पढ़ा, इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता और इन्होंने सिल्वर मेडल भी जीता, तो टोटल दो मेडल इन्होंने भी जीते। इसके अलावा हरविंदर सिंह का नाम आता है, हरविंदर सिंह ने आर्चरी में, तो भारत का आर्चरी में पहला मेडल जो आया वो आया पैरालंपिक्स में, पहला मेडल इन्होंने ही जीता और भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया, आर्चरी में पैरालंपिक्स में भारत का कोई मेडल नहीं था और वो हरविंदर सिंह ने ही पहली बार हमें दिलाया, ठीक है। इसके अलावा मनोज सरकार ने बैडमिंटन में इन्होंने मेडल जीता है पैरालंपिक्स में। सो टोटल हम जरा एक बार कांस्य पदक विजेताओं की बात कर लेते हैं, तो कांस्य पदक विजेता में पहले आ जाते हैं सुंदर सिंह गुर्जर, इन्होंने जैवलिन थ्रो में किया, सिंहराज अथाना, इन्होंने सिल्वर और ब्रॉन्ज दोनों जीता है शूटिंग में कांस्य पदक विजेता, शरद कुमार ने इन्होंने ऊंची कूद में जीता, अवनी लेखा ने शूटिंग में जीता, हरविंदर सिंह ने आर्चरी में जीता और मनोज सरकार ने बैडमिंटन में जीता। ये टोटल आपके कांस्य पदक विजेताओं के नाम हो जाते हैं। फ्लैग बीयर की मैंने बात करी, मरियप्पन थंगावेलु करने वाले थे फ्लैग बीयर, यूपी का जो पीटी का एग्जाम हुआ था उसमें सवाल भी आया था कि फ्लैग बीयर कौन था और उसमें ऑप्शन में मरियप्पन थंगावेलु ही रखा गया था, क्योंकि तब तक क्योंकि वो ऑफलाइन पेपर था तो प्रिंट में था, इस वजह से उसका नाम उनमें नहीं आ पाया था, बट टेक चांस जो है इन्होंने किया था फ्लैग बीयरिंग, क्योंकि उनके मिलने वाले किसी को कोविड हो गया था जिसकी वजह से उन्हें क्वारंटीन होना पड़ा था और मरियप्पन थंगावेलु फ्लैग बीयर सेरेमनी में नहीं जा पाए थे। और समापन समारोह में फ्लैग बियर जो है वो अवनी लेखा रही थी, तो ये इनका नाम आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है कि पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है, तो पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट शी इज द वंडरफुल लेडी दीपा मलिक है, इनको आपने कपिल शर्मा के शो या आपने केबीसी में भी देखा होगा, आप देख सकते हैं उन्होंने कितने सारे मेडल जीते हैं, वो पैरालंपिक गेम्स में मेडल जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी थी, 2016 के रियो ओलंपिक्स में शॉर्ट पुट इवेंट में सिल्वर मेडल भी जीत चुकी थी, उनके नेतृत्व में टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया, 2012 में अर्जुन अवार्ड मिल चुका है, 2017 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है, उनका जन्म 1970 में हुआ था, 30 सितंबर, 30 साल की उम्र में 3 ट्यूमर सर्जरी जिसकी वजह से शरीर का निचला हिस्सा काम करना बंद कर दिया, पैरालंपिक्स के बाद इसके बाद इन्होंने पैरालंपिक्स में अपना करियर शुरू किया और दीपा मलिक शानदार ड्राइविंग करते हुए हिमालयन मोटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन से भी उनका नाम था मुरलीकांत पेटकर, मुरलीकांत पेटकर ने ये मेडल स्विमिंग में जीता था, स्विमिंग की प्रतियोगिता में इन्होंने ये जीता था, एंड ये 1965 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच वॉर हुआ था उस बीच ये चोटिल हो गए थे और उसके बाद इन्होंने अपना पैरालंपिक्स का करियर शुरू किया और 1972 के पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था। इनके एफर्ट्स को भारत सरकार ने फाइनली रिकॉग्नाइज किया 2018 में और अपने पद्मश्री के सम्मान से नवाजा था, ठीक है। सो ही इज ऑल्सो अ वंडरफुल पर्सन जिन्होंने युद्ध में भी अपना अपने शरीर के अंग खोया और उसके बाद पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता, ठीक है। सो इस वीडियो में हमने सारी इन डिटेल जानकारी पैरालंपिक्स के बारे में ले ली है, अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए, आई विल श्योरली कंसीडर दैट थिंग और आई विल श्योरली ट्राई टू मेक दैट वीडियो, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, आशा करता हूं अगर आपने वीडियो यहां तक देखा है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा सा वीडियो को शेयर कीजिए जिससे कि हम बाकी लोगों तक भी पहुंच सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ वेरी गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।